गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बढ़िया हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आजकल जो है वह सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, तो आज जो है बेसिकली ठंड बहुत ज़्यादा है। सुबह हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध पड़ती है, बेहिसाब धुंध पड़ती है, मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब बुरा हाल होता है। जस्ट अभी बाहर थोड़ा थोड़ा ऐसे सूरज हल्का हल्का दिख रहा है उस धुंध में से, तो मैंने सोचा आटा खाने का चाहे हो परांठा हो, मज़ा आता है। तो आज का मेरा मेन्यू जो है उसमें बनाया मैंने परांठा है स्पेशल। तो आज मैंने जो बनाया वो तीन तरह के परांठे बनाए हैं। एक बनाया मैंने पनीर परांठा है, इसमें आलू परांठा है, और एक परांठा बनाया मैंने स्पेशल प्याज मिर्ची और धनिया वाला परांठा, जो मेरा बेसिकली बहुत फेवरेट है। तो उसके साथ मैंने लिया हुआ है ये फ्राइड आलू है, यहाँ पे गोभी लिया है, साथ में मैंने लिया है पिकल, ये घर का बना हुआ पिकल है, मैंगो पिकल लिया है साथ में, और साथ में लिया एक कप चाय। आप देख सकते हैं मेरी फेवरेट देसी चाय। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी फूड जो है एंजॉय करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देख सकते हैं आप परांठा, ये देखिए अंदर से ये वाला लिया है मैंने प्याज और धनिया और मिर्ची वाला। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी फूड एंजॉय करते हैं। फर्स्ट बाइट, बहुत टेस्टी है। मिर्ची तीखी हो गई है थोड़ी सी, भी ट्राई करते मेरे जो फेवरेट वाले परांठे हैं वो है एक तो धनिया और सिर्फ मिर्ची वाला परांठा, दूसरा पनीर परांठा भी मुझे अच्छा लगता है, और साथ में मुझे जो लगता है अच्छा वो है मेथी का परांठा। तो आज घर में मेथी अवेलेबल नहीं थी, तो नहीं तो मैंने मेथी वाला परांठा भी बनाना था। नेक्स्ट टाइम जो है मैं तीन चार तरीके के परांठे बनाऊँगी और फिर उसका करेंगे। ये वाला परांठा है, आप देख सकते हैं ये है पनीर परांठा। और हाँ, आज के जो मैंने परांठे बनाए हैं ये मैंने घी के साथ नहीं बनाए हैं, क्योंकि आज जो मैंने बनाए हुए हैं ये परांठे बनाए हुए मैंने ऑलिव ऑयल के साथ। तो आप चाहो तो आप घी के साथ भी बना सकते हैं, घी के साथ बढ़िया लगते हैं लेकिन हैवी हो जाते हैं, फिर वो आपको एक तो आपका वेट भी बढ़ेगा उससे, और दूसरा ये होगा वो आपको डाइजेस्ट थोड़ा स्लोली होते हैं, तो मुझे थोड़े कम पसंद है, तो मैंने आज ऑलिव ऑयल के साथ बनाए हैं। बहुत टेस्टी बने ये वाला परांठा।
ये वाला है आलू का परांठा। एक बड़ी सी वाइट बनाते हैं इसकी। मज़ा आता है पिकल को एंड में खाने में। ओके गाइस आई एम डन। बहुत मज़ा आया पराठे के साथ और ये नमकीन चाय पीने में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सबके साथ साथ प्लीज़ बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप लोग मुझे मेरी वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप सबको बहुत सारा थैंक यू और आगे भी ऐसे ही करते रहिएगा। गाइस बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।